कोटकासिम थाना क्षेत्र के बिलाहेड़ी गांव में पिछले शुक्रवार को ऑपरेटिव सोसाइटी के व्यवस्थापक दयाराम यादव पर फायरिंग कर हुई 10 लाख रुपए की लूट के मामले का भिवाड़ी पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी शांतनु कुमार ने जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संलिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लूटी गई रकम 10 लाख रुपए बरामद करते हुए दो देसी कट्टे व दो जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि पिछले शुक्रवार को भगाना गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत सेक्रेटरी दयाराम यादव सोसाइटी को बंद कर अपने घर बिलाहेड़ी जा रहे थे। उनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10 लाख रुपए नकद था, जिसे दूसरे दिन बैंक में जमा कराना था। बिलाहेड़ी गांव के पास ही तीन बदमाशों ने उनकी गाड़ी के आगे बाइक लगाकर उन पर तीन राउंड फायर किए और उनके पास रखा 10 लाख रुपए का कैश छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही पुलिस नाकों सहित हरियाणा में नाकाबंदी कराई। वे आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी डीएसटी टीम प्रथम को जांच के लिए लगाया और डीएसटी टीम प्रभारी मुकेश कुमार ने तीन दिन कोटकासिम क्षेत्र में छानबीन करते हुए मामले में आरोपी भगाना गांव के रहने वाले प्रवीण उर्फ अलाबादी पुत्र राजेश जाट, राहुल दूधिया पुत्र रण सिंह जाट व सुनील उर्फ नीता पुत्र सुंदरलाल जाट को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अन्य दो आरोपी फरार चल रहे थे, उनको भी दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण उर्फ अलाबादी से 2.5 लाख रुपए नगद व एक देसी कट्टा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया। राहुल दूधिया से 2,75,000 नगद व एक देसी कट्टा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल जब्त की है। इसी तरह आरोपी सुनील उर्फ नीटा से 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए। एक अन्य दस्तयाब किए आरोपी से 2,25,000 बरामद किए हैं। इनमें से राहुल दूधिया घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। इसने ही सेक्रेटरी दयाराम यादव की पिछले 15 दिनों से रेकी कराई और अपने साथी प्रवीण व सुनील के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करते हुए बकाया रकम के बरामदगी के प्रयास कर रही है। दिनांक 1 अप्रैल को करीबन 7:15 बजे के आसपास कोटकासिम इलाके में बिलाहेड़ी गांव में इसके पास एक ग्रामीण सहकारी बैंक के मैनेजर के साथ रास्ते में रोक करके लूटपाट की, फायर करके 10 लाख रुपए का उनका जो बैग था, कलेक्शन था, उसको छीन के लगे थे लोग। मैं मौके पर पहुंच गया था, SHO और DST इंचार्ज मुकेश भी मेरे साथ ही थे। हमने मौके जाकर के देखा, पूछताछ की सारी की सारी, तो हमें कुछ वहाँ से क्लूज मिले कि ये इस तरह का जो रास्ता है वो इसमें लोकल अपराधी होने की संभावना ज़्यादा है। और वहाँ के जो आसपास के आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो लोग थे, उनको हमने अपराधी थे उन पर अपना फोकस रखा, उनको उठा करके उनको पूछताछ की अच्छी तरह से। सघन पूछताछ से हमें एक बहुत अच्छी दिशा मिली और CCTV फुटेज वगैरह, तकनीकी विश्लेषण और इन सब का मिला जुला जो नतीजा था वो ये था कि हम 72 घंटे के अंदर ही वारदात खोल करके हमने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 अपराधियों को पूरी रिकवरी हो चुकी है पैसे की, और चौथे अपराधी जो वांटेड चल रहा था उसको भी हमने थोड़ी देर पहले दस्तयाब कर लिया, जिसको भी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। इस वारदात के खुलने से सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जागृत होगा, और जो व्यापार और यहाँ पर जो मनी का काम करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह का, उनको सुरक्षा का एक वातावरण हम दे पाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भिवाड़ी जिले में हमने हर थाने में अपराधियों का चिन्हीकरण किया है, और चिन्हीकरण करने के बाद उनकी पूरी सूचियाँ बना करके पुलिस थानों में मौजूद हैं, तो हमें एक ऐसा रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं किसी भी अन्वेषण की। ऐसे सारे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उसके अंदर हम ट्रायल को फास्ट कर रहे हैं, इंसदादी कार्रवाई कर रहे हैं, 110 केस कैसे पेश किए जा रहे हैं, और उनके जो अर्जित मनी है, अपराध से अर्जित मनी है, उसके खिलाफ भी हम विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? इनके खिलाफ पहले भी लूट के, आर्म्स एक्ट वगैरह के, हथियार रखने के, अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं, मारपीट के मामले दर्ज हैं। इस तरह के व्यक्ति ही इस तरह की आगे बढ़ करके इस तरह का लूट और इस तरह की जघन अपराध कर सकते हैं। कितने हथियार सर अब तक बरामद? अभी तक हमने 2 हथियार बरामद कर लिए, 4 कारतूस बरामद किए हैं, और उसके अलावा इनका जो सोर्स है कि कहाँ से ये लेके आए, उस तक भी हम पहुँचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी DST टीम थी उसने ये भी पता लगाया कि इनके अंदर हरियाणा के जो बदमाश थे मानेसर और उसके आसपास के गांव के, उनसे भी इनके संपर्क थे, और तो ये भविष्य में भी 1-2 व्यक्ति और थे माइक्रो फाइनेंस वाले, उनको भी अपना टारगेट बनाना चाह रहे थे। तो हम इस पूरे इस घटना को हम बुरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनकी हर जड़ तक पहुंचेंगे संपर्क। सर जिस इस वारदात में जो अधिकारियों ने काम किया उनको प्रमोशन के लिए? हाँ, इसमें हमारी DST टीम ने के जो कर्मचारी हैं उनका कार्य बहुत ही